छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरों ने एक महिला सरपंच के घर से 35 तोला सोना, 30 लाख नकदी समेत कुल 50 लाख रुपए की चोरी कर ली है। बताया गया है कि घटना के वक्त सरपंच का परिवार घर में ही सो रहा था। गिरिजा देवी अग्रवाल पति कमल अग्रवाल जयराम नगर की सरपंच है। शुक्रवार की रात गिरिजा देवी और उनका परिवार जयराम नगर स्थित अपने घर में खाने के बाद सो गया था। इसके बाद जब घर वाले अगले दिन शनिवार को सुबह सोकर उठे तो देखा कि घर के अंदर रखी अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था और उसमें रखे 30 लाख रुपए नगद और जेवरात नहीं थे, जिसके बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है। गिरिजा देवी के पति कमल अग्रवाल ने बताया है कि घर में 30 लाख रुपए नगद और करीब 35 तोला सोना रखा हुआ था, जिसे चोर चोरी कर ले गए हैं। 35 तोले सोने की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले में यह भी जांच करेगी कि आखिर महिला सरपंच के घर इतनी रकम कहां से पहुंची। चोरी और इतनी बड़ी रकम मिलने की जानकारी आईटी की टीम को भी दी जाएगी। तब उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।